यस सर, फ्यून स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने नेट बन 3 स्टार्ट की हुई है, उसका एक हमने लेक्चर किया था, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 है इस वजह से मैंने लहरा कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर इसमें आता है, और पास होने के लिए तो मैं कहता हूँ इस वजह से मैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक करवा रहा हूँ। एक दफ़ पास हो गए तो बच्चे याद करेंगे, इससे ये लिहाजा ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये वाले पक्के। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अच्छा बेटा, मैंने इस वजह से टेबल साथ मेंशन कर दिया, मैंने समझाया, आप शॉर्ट वीडियो के अंदर भी देख लें, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको कैसे आपने याद करना है। यहाँ पर भी मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, आपने कॉम्बिनेशन रखना है इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और ये अकेले ही रखना है। इसका देखें, इसका मैंने क्या रहा याद रखा है, सिर्फ साइन 91 होता है, फिर इसका ऐसे आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है, फिर ये दो ऊपर डिवाइड नीचे करके ना साइन ओवर कॉस होता है, 0/1 करेंगे तो आंसर 0, 1/0 करेंगे इन्फिनिटी। अब 30 और 60 का रखा है, ये मैंने याद किया हुआ, फिर ऐसे ये इस तरह, ये इस तरह, बाकी ये तो हमें डिवाइड करके मिल जाते हैं, ये दोनों नीचे नीचे कैंसिल, 2/3 ये नीचे नीचे कैंसिल, 1/1, ये हमने वैसे याद किया, 1/1, 2/1, 2/2, ये 2/2, 2/2 कैंसिल हो गए तो 1 जवाब आ जाए। अच्छा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, इसको पहले डिग्री फॉर्म में लिख लेते हैं जी। टेन डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिग्री, ये भी मैंने लिख दिया हुआ है, वैसे तो आपको जबान भी आना चाहिए पाई ऑफ 3 किसके बराबर है। इसी तरह यहाँ पे ये आ गया टेन 30 डिग्री, और 1 + tan 60 डिग्री, और टेन है 30 डिग्री। डायरेक्ट भी लगा लेंगे, कोई इशू नहीं, लगा सकते हैं। अच्छा टेन 60 बेटा कितना होता है, ऐसे देखना है, टेन 60 अंडर 3, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। यहाँ पे टेन 30 देखेंगे तो टेन 30 होता है 1/√3। इसी तरह आपने बड़ी सी फ्रैक्शन डालनी है नीचे, 1+ ये √3, टेन सिक्सटी बेटा हमने अभी किया है, टेन 60 √3 होता है, और टेन 30 होता है 1/√3। अच्छा ऊपर बेटा हमने एलसीएम, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, इसको इसके साथ करेंगे तो अंडर 3 का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। इसको 1 को इसके साथ करेंगे तो -1 आ गया, 1 को इसके साथ किया तो अंडर 3। फिर बड़ी सी फ्रैक्शन डालते हैं, क्योंकि ये वाली डालनी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, तो ये इसके साथ कैंसिल, 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2। ये नीचे है ना, तो ये नीचे ही आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल तो 3 - 1 ऊपर आ गया 2, और ये नीचे है, ये नीचे ही आ गया अंडर 3, और ये 2 हमारा पड़ा हुआ था नीचे रहने, इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बेटा जवाब आ चुका है 1/√3। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसको भी पहले डिग्री फॉर्म में लिख ही लेते हैं, और साथ स्केयर भी खत्म काट लें। यहाँ पे लिख लें कि टेन, चलो एक स्टेप काट लें, ये ना हो गया मिस्टेक ही समझी जाए, टेन 60 डिग्री आ गया, और नीचे आ गया बेटा, नीचे भी टेन यही आ रहा है 60 डिग्री, तो स्केयर को पहले ख़त्म कर लेते हैं, टेन 60, और स्केयर को मतलब कि होल काट लेते हैं, इजी हो जाएगा, 1+tan 60, क्योंकि स्केयर की तो वैल्यू नहीं है, लिहाजा कुछ की बुक्स में भी ऐसे नहीं डायरेक्ट किया होता है, और अक्सर टीचर भी ये मिस्टेक कर देते हैं, लिहाजा बेटा आपने ध्यान से करना है कि ये ऐसा क्यों, हमारे पास वैल्यू टेन की होती है 60 की, टेन स्केयर 60 की नहीं, तो ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। वैसे टेन 60 हमें पता है अंडर 3 होता है, तो ये बेटा हम अंडर 3 स्केयर, फिर 1+√3, फिर यहाँ पे स्केयर, इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1 - 3, नीचे आ गया 1+3, ऊपर बेटा आ गया -2, और नीचे आ गया 4, 2 - 1 = 2, 2 = 4, फाइनली हमारे पास जवाब आ चुका है -1/√2। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बेटा लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगे की है वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की है तो उसके 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ वैल्यू, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, 10:45 ये स्टेप काट लें, तो यहाँ पर मार्कर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, 10 बेटा आ गए यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर हमने स्केयर लगा दिया, स्केयर को खत्म कर 10 60 डिग्री, और यहाँ पर हमने स्केयर डाल, यहाँ पे एक्स आ गया, और यहाँ पर आ गया साइन 45, यहाँ पर आ गया कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 10 60 डिग्री। बेटा बहुत ही आसान है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्केयर आ गया, कॉस 60 कितना होता है, ये आपने याद रखना है कि कॉस है और ये 60 है, 1/2,
यहाँ पे 1/2 और साथ होल स्क्वायर आ गया, एक्स ऐसे ही लिखेंगे, एक्स जो कि हमने फाइंड करना है। ये होता है जी 1/√2 cos 45 भी 1/√2 होता है, और tan 60 बेटा हमने क्या होता है tan, और ये 60 की लाइन में देखेंगे तो √3 देखना तो अब आपको आ गया होगा। अच्छा अब बेटा क्या करते हैं, 1 का तो स्केल लेंथ 1 आता है, तो इसका स्केल लेंथ 1/4 आ जाएगा, 1 का लेंथ 1 ही आता है, 2 का लेंगे तो 4 स्केयर। अच्छा यहाँ पर अब आ गया 1 को 1 के साथ 1, जो जो अब √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 √2 और √2 बेटा √2 का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर इसका एलसीएम लिया जाए तो 4 - 1, और नीचे 1 को 4 से करेंगे तो 4, यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स से साथ आ रहा है √3/2। तो फाइंड हमने एक्स करना है, तो एक्स को वहाँ पर रहने दें, इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर तो जो आप आ गया थी 3/4, लेकिन यहाँ पे बेटा जो आप आता है 2 पर चला जाएगा √3 नीचे, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे जो आप आ गया 3/2 √3। यहाँ पर ही रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर भी √3 लगा लें, नीचे भी √3, चूंकि ये वैसे करना इस वजह से जरूरी, मैं कह दूँगा आंसर जो है बुक का आपका मैच कर दें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/√3, ये √3/√3 क्या बन जाएगा, देखें √3 का स्केयर ये कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर यही लिख लेता हूँ, 2 लिखा और इस साथ लिया लिखे 3, तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर हम 3 3 के साथ हमारा कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास x का जवाब क्या आ गया √3/√3/2, ये हमारा x का आंसर आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।